हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। ऐसे में सेवेंथ क्लास का चैप्टर नंबर 1 सफलताया महत्वम पढ़ाने जा रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है कि आप लोग घर पे सही ढंग से इसे अध्ययन करोगे। वर्तमान समय जीवनम सर्वतः प्रतियोगिता पूर्णम अस्ति, यानी कि अभी की समय में सभी जगह प्रतियोगिता का पूर्णम है। प्रतियोगितायाम सफलताम प्राप्तो परिश्रम सर्वत्र आवश्यक भवति। सफल प्रतियोगिता को सफलता के लिए हमें परिश्रम हमें आवश्यक है। सफलताया एव अस्माकं जीवनम आनंदपूर्णं भवति। सफलता ही हमारा जीवन का सुखमय होता है। जीवने सफलता अनायासम एव न प्राप्यते। जीवन में सफलता परिश्रम से ही प्राप्त होते हैं, किसी और से नहीं। ये योजनाबद्ध कर्मेन कार्यं कुर्वन्ति ते निश्चितमेव सफलतां प्राप्नुः बन्ति। जो निरंतर कार्य को करते हैं वे अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। सफल जन ग्रामे समाजे राष्ट्रे विदेशु च ख्याति मानं च लभ्यते। सफल लोग गांव में, समाज में, देश में और विदेश में ख्याति प्राप्त करते हैं। अस्मिन् जीवने सफलता तदा सार्थकी भवति यदा सफलता अन्येभ्य सुखकारी भवति। इस जीवन में सफलता का सार्थक जब ही होता है तब एक दूसरे को सुखकारी के लिए होना चाहिए। यदा जना सफलता प्रयासम करोति तदा च तस्य पादम स्पर्शयति। जब लोग सफलता का प्रयास करते हैं तब उसका चरण स्पर्श होता है। सफलता सुखम स्मृति च यच्छति। सफलता सुख और स्मृति देता है। सफलता केवल संपूर्णतया एक भावना न अस्ति अपितु जीवनस्य आधार एव अस्ति। सफलता केवल संपूर्ण का भावना नहीं होती है, यह जीवन का आधार है। अधोलिखित श्लोकम जना यदि आत्मसात कुर्यो त्राहि निश्चितमेव सफलतां प्राप्नुहि। नीचे लिखे श्लोकों के अनुसार यदि मनुष्य निश्चित श्लोक को देखेंगे तो निश्चित ही उसे सफलता प्राप्त होगी। अत्र न अस्ति कश्चन संदेह यत् सफलतां प्राप्तु परिश्रम कर्तव्यः। यहाँ सोचने से नहीं बल्कि परिश्रम करने से सफलता प्राप्त होता है, ऐसा भावना अग्र लिखित श्लोके दृश्यन्ते। यह भावना आगे लिखे हुए श्लोकों में देखा जाता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, ना कि सोचने से। सोए हुए सिंह के मुंह में मृग यानी कि हिरण स्वतः प्रवेश नहीं कर पाते। अर्थात उद्यम बिना कार्यानि न सिद्ध्यन्ति। परिश्रम के बिना कार्य सफल नहीं होते हैं। अतः उद्यम परम आवश्यक है, इसीलिए परिश्रम बहुत आवश्यक है। यति सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा न प्रवसन्ति
जिस प्रकार से सोए हुए सिंह के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करते हैं, तथैव उद्यम महिष्य करजानी अपस्वंत न सिद्धन्ति। ठीक उसी प्रकार से परिश्रमहीन बिना कार्य स्वतः सफल नहीं होते। सफलता प्राप्तु सतमम अभ्यास करनीय, सफलता प्राप्त करने के लिए अभ्यास जरूरी है। सफल मनुष्य समाजस्य उन्नति विकास च भवति। समाज सफल मनुष्य के द्वारा समाज का उन्नति और विकास होता है। सफलताया समाजे सुयोग्य नागरिक भविष्यन्ति। सफलता से ही समाज में अच्छे नागरिक होते हैं। सफलताया जननाम विकासस्य मार्ग प्रशस्त भविष्यन्ति। सफलता से ही लोगों का विकास का मार्ग आगे की तरफ बढ़ते रहता है। जीवनस्य साहसस्य धैर्यस्य कर्तव्यशीलताया च अभिवृद्धि भविष्यति। जीवन में साहस धैर्य और कर्तव्यशीलता से ही कोई भी काम सफल होते हैं। सफलता कश्चित कृते मनसा अवस्था वर्तते, कश्चित कृते भौतिक सुखम वर्तते, कश्चित कृते निश्चित पदम वर्तते, कश्चित कृते समाज प्रतिष्ठा वर्तते। सफलता से ही मनुष्य मन का विकास होता है, भौतिक सुख होता है, निश्चित सफलता को प्राप्त करता है और समाज में प्रतिष्ठा होता है। सफलता न कदापि संपूर्ण भवति, सा केवलम सापेक्षा भवति। सफलता कभी भी संपूर्ण नहीं होते हैं, वह तो केवल सापेक्षा होती है। सफलता जीवनस्य कृते अल्प विराम मास्तनम अस्ति। सफलता को प्राप्त करने के लिए जीवन में थोड़ा आराम भी जरूरी है। सफलता प्रतिस्पर्धौर्या विषयो वर्णति। सफलता प्रतिस्पर्धा विषय माने जाते हैं। केचिन जना अनस्ताम सफलताम दृष्ट्वा इस्याम कुर्वन्ती। कितने लोग एक दूसरे को सफलता को देकर घृणा करते हैं। फलतते स्वजीवनम निरर्थकम कुर्वन्ती। वे अपने जीवन को निरर्थक करते हैं। अतः चते जीवनस्य आनंदमपि न प्राप्नोति। इसलिए वे अपने जीवन में सुखमय कभी भी प्राप्त नहीं करता है। अस्मिन् जीवने न कोऽपि सफलता विषय पूर्ण रूपेण संतुष्ट भवति। इस जीवन में कोई भी सफलता के विषय में पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होते हैं। अतः जीवने संतोष अपि आवश्यक वर्तते। इसलिए जीवन में संतोष भी आवश्यक है। सर्वेषां जनानां पर सभे असाधारण प्रतिभा भवति। सभी लोगों के पास असाधारण प्रतिभा होती है। तस्य सदुपयोग कर्तव्य, उसका सही उपयोग करना चाहिए। स्वजीवने सफलताम प्राप्तर्थ्य जीवने लक्ष्यम निर्ध्याय कार्यारम्भ करनेनी। वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करके जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करके कार्य को आरंभ करते हैं। इदम युगम प्रतियोगिताया अस्ति। यह युग प्रतिज्ञा का है, वह प्रतियोगिता का है। प्रतियोगिताम सफलताम प्राप्तु सर्वे इच्छा बंतु। प्रतियोगिता को सफल प्राप्त करने के लिए सभी इच्छा चाहते हैं। सफलताया नैतिक गुणो अपि आवश्यक भवति। सफलता के लिए नैतिक गुण आवश्यक होता है। विनीतः विनम्रः च मनुष्य अवश्यमेव सफलताम प्राप्नोति। दयालुता विनम्र से मनुष्य अवश्य सफलता को प्राप्त करते हैं।